हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड, जिसका नाम है टैक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म, सॉरी जिसका नाम है एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी एंड एम्बियोलॉजी, उसका हम अध्ययन कर रहे थे। ये पेपर थर्ड है। हमने लास्ट वीडियोस में इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम का अध्ययन किया था। अब हम आगे के वीडियोस में फ्लावर के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, अब जो आगे आपके जो भी संबंधित आएगी फ्लावर से, वो पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली आएगी। तो वही चीज़ क्या होती है, जैसे मैं आगे फैमिलीज़ के बारे में जब पढ़ाऊँगा तो फैमिलीज़ में मैं कहूँगा कि भाई इसमें जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का जो है वो फ्लावर पाया जाता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप क्या है, तो इसी प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों का अध्ययन हम करेंगे। फ्लावर के ऊपर करीबन 15 वीडियोज़ बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला वीडियो यह है। इसमें हम फ्लावर के बारे में बेसिक जो है वो अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं फ्लावर क्या चीज़ है। देखिए, फ्लावर एक हाईली मॉडिफाइड शूट होता है। शूट का मतलब प्ररो होता है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी ये एक बीज है, इस बीज को आपने ये मिट्टी में बोया, तो ये जैसे ये ऊपर की तरफ, तो इसमें क्या निकलेगा, प्ररोह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शूट। और ये नीचे की तरफ क्या निकलेगी, जड़। तो ये तो क्या होती है, जड़। और ये जो स्टार्टिंग का तना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्ररोही होता है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करता जाता है ऐसे, प्ररोह, इधर से फिर ये साइड में ब्रांचेज निकलती है, ये पत्तियाँ आ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये और प्ररोह ग्रो करता है। अब वास्तविकता में क्या होता है, ये प्ररोह जो इसको बनानी तो होती है क्या, पत्तियाँ, ठीक है। परंतु ये पत्तियों की जगह मान लीजिए ये फूल का निर्माण यदि स्टार्ट कर देता है, जैसे ये इसने फूल बना दिया, तो ये जो फूल है ना वो बना किससे, इस प्ररोह से ही तो बना है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लावर जो है उसको क्या कहा गया है, ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर उसको क्या कहा गया, हाईली मॉडिफाइड शूट। मतलब फ्लावर कुछ नहीं है, एक बहुत ही हाईली, मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से मॉडिफाइड रूपांतरित क्या है, प्ररोह है। मतलब फ्लावर एक रूपांतरित प्ररोह ही है, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ फ्लावर, इसको अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस या फिर रिसेप्टर, ठीक है। मतलब कि जो फ्लावर की अक्ष होती है, जैसे ये मान लो आपकी फ्लावर यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो ये फ्लावर की क्या है, अक्ष है, ठीक है। इस अक्ष को, एक्सिस उस फ्लावर को ही क्या बोलते हैं अपन, थैलेमस। थैलेमस का दूसरा नाम क्या है, रेसेप्टेकल। ये जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, बीरिंग फोर होल्स। अब फ्लावर के क्या होते हैं, चार आवश्यक चक्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से चक्र होते हैं, चार आवश्यक चक्र होते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स को यानी अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, बाह्य दल पुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज, ठीक है। उसके बाद में होता है आपके कोरोला। कोरोला कोरोला को अपन बोलते हैं क्या, दलपुंज। ये दलों से मिलके बना हुआ होता है, ये बाह्य दल से मिलके बना हुआ होता है। फिर इसके बाद में आता है इस एंड्रोशियम। क्या होता है, एंड्रो CIEUM, एंड्रोशियम को अपन क्या बोलते हैं, पुमंग, ठीक है। ये पुंकेसरों से मिलके बना हुआ होता है। और लास्ट ही लास्ट का आपके आता है क्या, GYNOCIEUM, गाइनोशियम, यानी कि जायांग। ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये चार क्या होती हैं, एक फ्लावर के चक्र होते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई सा भी एक फ्लावर यदि मैं आपको बताऊं, कोई सा भी एक, जैसे आपने फ्लावर यदि देखा हो, जैसे इस प्रकार से मान लो कोई सा भी एक फ्लावर आपके यूँ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो ये फ्लावर आपके कोई यूँ इस प्रकार से लगा हुआ है, तो फ्लावर में यहाँ पे छोटे छोटे हरे कलर के कुछ रहते हैं, उनको तो अपन क्या बोलते हैं, बाह्य दल। क्या बोलते हैं, हरे कलर के ये बाह्य दल, ठीक है। और एक फ्लावर के सारे बाह्य दल मिलके क्या बनाते हैं, बाह्य दल पुंज, जिसको इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं अपन, CLX लिख रहा हूँ मैं, वास्तविकता में तो CALYX होता है। फिर इसके बाद में जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है, कलरफुल जो पार्ट होते हैं ना, जैसे गुलाब में लाल कलर की जो पत्तियाँ होती है, वो क्या कहलाती हैं, दल। क्या कहलाती है, वो दल। और एक फ्लावर के सारे दल मिलकर के क्या बनाते हैं, दलपुंज, ठीक है। दलपुंज को हिंदी में, इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला फिर इसके बाद में आपने देखा होगा यहाँ पे एक जो वो पुंक निकले हुए रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पुंकेसर। क्या होते हैं ये, पुंकेसर, यानी कि नर जनन अंग, ठीक है, फ्लावर के। और एक फ्लावर के सारे पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम। क्या बनाते हैं, एक फ्लावर के सारे पुंकेसर मिलकर के एंड्रोशियम, जैसे ये यहाँ पे ये निकले हुए रहते हैं ना वो इस तरीके से, तो ये क्या कहलाते हैं, पुंकेसर। और एक फ्लावर के सारे पुंकेसर मिलके क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है, यानी कि पुमंग। फिर बीच में एक वो और होता है अलग से, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्पल।
कार्पल यानी कि स्त्री केसर, ठीक है। और एक सारे के सारे, एक फ्लावर के सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बनाते हैं, जायंग यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये चार जो होते हैं, एक पुष्प के जो कहते हैं चक्र होते हैं। अब आप देखो, जिस पर्ण के कक्ष से पुष्प उत्पन्न होता है वो पर्ण क्या कहलाती है, ब्रैक्ट, ठीक है। जिस पक्ष, ठीक है, मतलब एक पत्ती जिसकी कक्ष से पुष्प उत्पन्न होता है उसको क्या कहलाता है। इस चित्र में अभी अपन देखेंगे। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट यानी कि हिंदी बोलते हैं सहपत्र, सहपत्र प्रेजेंट है, तो उस प्रकार के फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेट, ठीक है। जब अपन पुष्प सूत्र लिखते हैं तो BR यदि अपन ने लिख दिया तो इसका मतलब है उस फ्लावर में सहपत्र यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। और अगर ई ब्रैक्टेट का मतलब होता है उस फ्लावर में ब्रैक्ट एबसेंट यानी सहपत्र अनुपस्थित, यानी उस फ्लावर में सहपत्र नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पुष्प सूत्र जब अपन लिखते हैं, यदि BR लिख दिया इसका मतलब उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है यानी सहपत्र प्रेजेंट है, यदि EBR लिख दिया इसका मतलब उसमें क्या है, सहपत्र नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से एक चीज़ होती है सहपत्रिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैक्टियोलेट। अगर ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है तो इसका मतलब है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैक्टियोल, सहपत्रिका यानी ब्रैक्टियोल। अगर ब्रैक्टियोलेट है तो इसका मतलब उसमें ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल या प्रेजेंट यानी सहपत्रिका उसमें उपस्थित है। सहपत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैक्टियोल। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्टियोल यानी सहपत्रिका उपस्थित है तो उस फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोलेट यानी ब्रैक्टियोल उपस्थित। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ठीक है। देखो इसमें जैसे कि ये आपकी एक्सिस हो गई, इससे ये पूरा पूरा फ्लावर निकला, ठीक है। तो जिस पत्ती के कक्ष से फ्लावर, ये पत्तियां हुई इनके कक्ष से फ्लावर निकला है तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रैक्ट यानी कि सहपत्र। ये क्या है आपके, पुष्पावली वृंत यानी कि पेड़ अंकल, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और ये लंबा पूरा क्या है, पुष्प का वृंत, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेडिसेल यानी पुष्प वृंत। फिर ये जो पुष्प वृंत पे जो पत्तीनुमा संरचना पाई जाती है ना, ये इनको अपन बोलते हैं क्या, ब्रैक्टियोल यानी सहपत्रिका। तो सहपत्र और सहपत्रिका में आगे अंतर समझ में, सहपत्र से तो पुष्प निकलता है और सहपत्रिका जो है वो पुष्प वृंत के ऊपर ही पाई जाती है, और फिर ये आपके मेन फ्लावर ही हो गया, ठीक है। अगर इस पुष्प के, किसी पुष्प के पास वृंत है तो वो वृंत युक्त, और नहीं है तो वो सेसाई फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके चल रहा है। अब आप देखो इनवोल्यूक्री तो क्या होता है, पेड़ अंकल के चारों ओर सहपत्रों का चक्र। मतलब कई बार क्या होता है, ये सारे के सारे सहपत्र मिलकर के, ब्रैक्ट मिलकर के चक्र का निर्माण कर लेते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सहपत्र चक्र या फिर इनवोल्यूक्री। और जो ब्रैक्टियोल होती है, जो सहपत्रिका होती है, उस सहपत्रिका के चक्र को अपन क्या बोलते हैं, इनवोल्यू सेल यानी सहपत्रिकाओं का चक्र। इसी प्रकार से यदि फ्लावर में, अब आप देखोगे पेडिसिलेट यानी कि यदि फ्लावर में पेडिसेल यानी पुष्प का व्रंथ यदि उपस्थित है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर, पुष्प व्रंथ युक्त फ्लावर। और सेसाइल का मतलब पुष्प व्रंथ अनुपस्थित है। कंप्लीट का मतलब देखो क्या होता है, ऑल फोर फ्लोरल रूट्स प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था ना, फ्लावर के यदि चार चक्र होते हैं, यदि फ्लावर में वो चारों चक्र उपस्थित है तो उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, बट कंप्लीट है ये फ्लावर। तो इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, उस फ्लावर में एक या एक से ज़्यादा चक्र क्या है, अनुपस्थित है। मान लो कोई सा एंड्रोशियम नहीं हुआ तो भी वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, गायनोशियम भी नहीं हुआ तो भी वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फ्लावर के ऊपर पहला वीडियो था। आगे की वीडियोज़ में हम फ्लावर के बारे में और बेसिक अध्ययन करेंगे।